લગ્નની સીઝન આવતા જ દરેક પ્રસંગો અનુસાર લોકો ખરીદી કરતા હોય છે. આજકાલના ટ્રેન્ડ મુજબ લગ્ન દરમિયાન જેટલી પણ રસમ કરવામાં આવે તેટલા વિવિધ પહેરવેશ પહેરવામાં આવતા હોય છે. ફેશન અને ટ્રેન્ડ સાથે લગ્નને વધુ સુંદર બનાવવા માટે માયરા ફેશન વેડિંગ એક્ઝિબિશનનું આયોજન તારીખ 23 ડિસેમ્બર થી 25 ડિસેમ્બર સિંધુ ભવન હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સમગ્ર ભારતથી ડિઝાઇનર પોતાના અવનવા સ્ટાઇલ સાથે કલેક્શન રજૂ કરશે. આ એક્ઝિબિશન વિશે વાત કરતા કનેક્ટ ગ્રુપના નાયકા અગ્રવાલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે કનેક્ટ એ એક મહિલા નેટવર્કિંગ જૂથ છે જે ઉત્સાહી અને સાહસિક મહિલાઓ દ્વારા આ ખૂબ જ આગળ વધ્યું છે, જે હાલમાં સમગ્ર ભારતમાં ફેલાયેલ છે. આ જૂથ વિવિધ ક્ષેત્રની કુશળતાના મહિલાઓને એક સામાન્ય મંચ પર લાવે છે અને વ્યવસાયની તકો પૂરી પાડી તેઓને એકબીજાને સશક્ત બનાવવા માટે સુવિધા આપે છે. હાલમાં અમારા ગ્રુપમાં 500 થી વધુ મહિલા ઉદ્યમીઓ છે. આ રીતે સ્મોલ અને મીડિયમ સ્કેલના ઇન્વેસ્ટ દ્વારા અમે દરેક લોકોને આગળ વધારવા માંગીએ છીએ. મેરા નામ નાયકા અગ્રવાલ હૈ એન્ડ મેં કનેક્ટ ગ્રુપ કી ફાઉન્ડર હું. મેડમ આપ જો એક્ઝિબિશન રખા હુઆ ઇસકી ખાસ ખાસિયત ये सारे वेमेन एंटरप्रेन्योर्स ने स्टॉल रखे हैं और ये ग्रुप पूरा ऐसी महिलाओं का ग्रुप है जो घर से काम करती हैं. उन लोगों ने कई लोगों ने पहली बार रखा है और कई लोगों ने मतलब सूरत से आया है, कोई गुजरात अहमदाबाद से आया है, कोई राजकोट से है, कोई कोलकाता से है, बहुत सारी जगहों से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आके यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं. मैडम नेक्स्ट मंथ में शादी की जो सीजन आने वाले इसके लिए कुछ खासियत रखी गई है? हाँ जी, बहुत सुंदर लहंगा चोली है, बहुत सुंदर ज्वेलरी है, रियल भी है, आर्टिफिशियल भी है. मतलब कलकत्ता से स्पेशली स्टॉक मंगाया गया है. सिर्फ कलकत्ता में सबसे पहले फैशन आता है और यहाँ पे वहाँ से पहली बार ये स्टॉक मंगाया गया है और यहाँ पे अहमदाबाद में आपको कहीं ये नहीं मिलेगा. मैडम आपने जो एग्जीबिशन रखा ये पहली बार ही आगे भी आपने किया हुआ है? ये चौथा एडिशन है हमारे एग्जीबिशन. आपका चौथा एडिशन है और अहमदाबाद में ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मैं यही रहती हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत सारा प्यार मिला है तो मैं ये प्यार वापस कर रही हूँ. नॉन प्रॉफिट एग्जीबिशन है यहाँ, इसमें जो भी हम कमाते हैं वो सारा इसी पे खर्च करते हैं. नहीं, मेरा यहाँ पे स्टॉल नहीं है पर जो मेरा चैप्टर है उसके बहुत सारे मेंबर्स ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है. जैसा नायका ने आपको बोला ही हमारा 4th एडिशन है. वो दिन दुनी रात चौगुनी वाली बात आपने सुनी होगी ना. कनेक्ट की स्टार्टिंग में हम 50 मेंबर्स हुआ करते थे जो कि आज हम 3000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और ये सिर्फ अहमदाबाद में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से हमारे मेंबर्स हमारे पास में जो कि यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए आ रहे हैं. मेरा नाम सपना चिरानिया है, मैं भी कनेक्ट के चैप्टर की चैप्टर हेड हूँ, तोपिया चैप्टर की चैप्टर हेड. मैडम यहाँ पे जो स्टॉल है यहाँ पे अभी तक कितनी महिलाएं यहाँ पे विजिट कर चुकी होंगी? अभी एज ऑफ नाउ स्टार्टिंग से आप अंदर देख सकते हो खुद ऑलरेडी इतनी भीड़ है. तो क्योंकि मायरा का सबको आइडिया है एंड कनेक्ट एक लाइन देता है लेडी एंटरप्रेन्योर को. लेडीज स्किल्स जानती है, वो समझती है हमें काम करना है पर मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे उनको कहाँ बेचन, उन्हें साल में 2 बार ही मिलता है तो वो कुछ स्पेशल कनेक्ट के हिसाब से दे तो हर स्टॉल में आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगी. आपको वो सारे जो जो जिन्होंने स्टॉल लगाया उन पे डिसीजन होते हैं पर वो लोग देते चलते हैं.